अरे गौरी तुम आओ अंदर आओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ। ये आपकी दवाइयाँ और ये टैबलेट आपकी आई के लिए। आई के लिए? हाँ, उन्हें अस्थमा है ना, तो उनसे कहिए कि ये टैबलेट लेना शुरू कर दे और पंप का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओके। अच्छा मैंने बटाटा वड़ा बनाया, जरा खा के बताओ कैसे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो मुझे ना एक सर्जरी के केस में अभी हॉस्पिटल निकलना है। गौरी एक बार खाकर चली जाओगे तो कुछ तुम्हारा नहीं जाने वाला है, खा के जाओ, खाओ, बताओ तो कैसे बनाए। अच्छा वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहूँ या ना। क्या हुआ बताओ। वो एक दिन सोहम मेरे घर आया था। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। डिलीवरी बॉय का है? हम ही है, अभी सामान देख लीजिए, अगर पूरा है तो पैसे दे दीजिए, हम निकलते हैं। लेकिन उसे डिलीवरी बॉय का काम करते देख मुझे बुरा लगा। आई मीन उसे समझना चाहिए कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, ये छोटा मोटा काम उसे शोभा नहीं देता। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा इसलिए मैंने आपको, आई एम सो सॉरी अर्चना जी, आई थिंक मैंने आपको हर्ट कर दिया, मुझे आपको ये सब नहीं बताना नहीं, चाहिए। गौरी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा ये सुनकर कि वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। क्या आपका बेटा एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है और आपको खुशी हो रही है? हाँ गौरी, मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि कम से कम वो सही रास्ते पर चल रहा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं गौरी। दरअसल आई एम सो सॉरी अर्चना जी, मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी। नहीं गौरी, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सोहम ना कभी बुरा लड़का था और ना है, बस वो भटक गया और इसीलिए मैं और मानव से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके। मानव उसके साथ कभी कभी बहुत रूडली रूडली बातें करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो सुधर जाए, उसे एहसास हो पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन गौरी तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात पता है क्या है? गौरी माँ बाप चाहे लाखों कमा ले करोड़ों कमा ले, लेकिन जब उनका बच्चा हमारे हाथ में अपनी पहली कमाई रखता है ना, तो वो खुशी कुछ और ही होती है। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी जब अपनी पहली सैलरी अपनी आई के हाथ में रखी थी ना, तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अर्चना जी मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मुझे अभी अभी हॉस्पिटल के लिए जाना होगा। अरे तुमने खाया नहीं गौरी, नेक्स्ट टाइम आके पक्का खाओ, एक बाइट तो खा के जाओ, खाना तो पड़ेगा। अच्छा बनाना। बहुत, मैं चलती। क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? और तुमने तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तुमने उनको मना नहीं किया? हाँ लेकिन ऑनर उन्हें पता चल गया कि मैं मिस शालिनी नहीं बल्कि मिसेस शालिनी हूँ। मतलब? मतलब वहाँ पे अर्जुन और पूर्वी भी थे। यू जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, आर यू मैरिड और नॉट? लेकिन सर मैं, यस और नो? सर मैरिड। जस्ट लीव दिस कंपनी राइट नाउ। कांट बिलीव दैट, आई एम सो सॉरी शालिनी, तुम्हें मेरी वजह से इस सब प्रॉब्लम के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। डोंट फील सॉरी ओनर प्लीज, ये मुंबई है, यहाँ नौकरियों की कोई कमी नहीं है, मुझे आसानी से एक जॉब मिल जाएगी। मैं जानता हूँ शालिनी, मुंबई में हर किसी को नौकरी मिल जाती है और तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हो, तुम्हें नौकरी आराम से मिल जाएगी, लेकिन आई एम जस्ट फीलिंग गिल्टी कि मेरी वजह से तुम्हें इतना अच्छा जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन ऑनर मुझे एक बात की बहुत खुशी है, अर्जुन और पूर्वी दोनों साथ में काम करने लगे हैं। जानता हूँ मैं, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। तुम जानती हो शालिनी, पूर्वी मुझे शुरुआत में कहा करती थी कि वो अर्जुन के साथ ही काम करती थी और उन दोनों की बिल्कुल बनती नहीं थी, इनफैक्ट पूर्वी अर्जुन को खड़ूस कहकर बुलाती थी। रियली? एंड आई एम हैप्पी कि आज दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और हो सकता है कि इन करीबियों की वजह से वो शायद फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। अर्चना, अर्चना मानो आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों जाकर एक मूवी देख कर आते हैं, बहुत दिनों से बाहर भी नहीं गए, है ना? मूवी? इस तरह अचानक? मतलब
अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ मानव, मैं सचिन और तेजू से पूछ। सचिन तेजू, हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। हम दोनों अकेले? हाँ तो क्या, हम दोनों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह। लेकिन क्या अर्चना, आई परमिशन नहीं देगी, बच्चे नहीं मानेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम? अरे कुछ भी, आप कुछ भी बोल देंगे। तो फिर ठीक है, फाइनल है, हम मूवी देखने जा रहे हैं। अरे बाहर देखिए ना कितनी बारिश हो रही, मानव कैसे हम इस तरह जाएंगे? गाड़ी में जाएंगे, इवनिंग शो है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मानव रहने, ए सुंदरी, सुंदरी कहाँ मर जाती है ये? क्या हुआ? अरे देख ना, मैंने कब की लिस्ट बना के रखी है। सुंदरी को बोला था जाके सामान लेके आ, है घर में? उसको काम करना चाहिए कि नहीं? दिन ब दिन आलसी बनते जा रहे, कुछ काम सुनती नहीं, बैठेगी तो टीवी देखेगी। अभी मैं क्या करूँ, कुछ काम नहीं करती, निकाल देती उसको। अरे भाई तू क्यों छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान होती रहती है? और तू सुंदरी को निकालेगी? हाँ निकालूंगी, काम नहीं सुनती तो क्या करूँ मैं? तो एक काम करते हैं, भाई सुंदरी को काम से निकाल दे। मैं अभी फोन करके उसको बोल देता हूँ कि काम पर मत आए। अरे क्या सचमुच नहीं करता है क्या? लेकिन आई तूने तो कहा कि कोई काम नहीं करती। अरे गुस्से में कहा था रे, जरा दिमाग गर्म था ना इसलिए। सुंदरी है, करके घर के काम होते हैं। अगर सुंदरी चली गई तो हमारे घर का हो गया कल्याण। ठीक है, जैसा तू बोले, सुंदरी तेरे पास ही रहे। ला मुझे लिस्ट दे, मैं जाकर सामान लेकर आता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा क्या बनिया के दुकान में? तो क्या हुआ है? और बिजनेसमैन में दुनिया के लिए, तेरे लिए तो तेरा मानना होना। और घर के काम करने में कैसी शर्म, ला मुझे दे। वैसे भी मुझे ये लिस्ट दुकानदार को देनी है ना, कौन सा सामान निकालना है। चल मैं देखकर आता हूँ। अच्छा बेटा। दादा मेरे घर पे सारा सामान पहुंच गया, पर शक्कर रह गई, हमेशा कोई ना कोई जरूरत का सामान छूट ही जाता है। माफ कीजिए, लड़के से गलती हो गई। सोहम 1 किलो शक्कर लेते आना। इनके सामान में शक्कर का पैकेट रखना भूल गया था ना, ठीक से काम नहीं कर सकता, कहां ध्यान रहता है तेरा। ला दे इसे। सॉरी, जा काम कर। अरे सर आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ। अरे साहब आपने आने की तकलीफ क्यों की, एक फोन कर दिया होता, मैं सामान घर पे पहुंचा देता। स्वाम पानी लेके 1 गिलास। जी नहीं शुक्रिया, ये मैं सामान की लिस्ट लेकर आया। सामान आपके घर पहुंच गया समझिए। आप इतने दिनों के बाद हमारी दुकान पर आए हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, प्लीज एक कप चाय पी के जाइए। अरे जी नहीं, गरीब की दुकान पे कम से कम पानी तो पीते जाइए साहब, प्लीज। अरे ये क्या सोम, ग्लास को इस तरह हाथ में लेकर आता है क्या? जा ट्रे में लेके आ। देखा क्या हाल हो रहा है लल्लक? अरे वो मानव, वो दुकानदार के सामने विष्णु को पहचान नहीं रहा, चुपचाप बेइज्जती होता देख रहा है उसकी। लेकिन सरकार हम यहाँ क्या करें? अरे बताता हूँ, एक बार विष्णु को दुकान के बाहर आने दे, तब बताता हूँ क्या करना है। वाह तो पैसा तैयार है? तैयार है साहब। जैसे ही विष्णु दुकान के बाहर आए तो अपना काम करना है, समझ गया? जी सर। माफ कर दीजिए, बच्चा है, प्लीज लीजिए ना। शुक्रिया।
अच्छा मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? सर वो हॉस्पिटल में एक सर्जरी का केस आया है, उसके सिलसिले में जाना होगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना चलो मैं छोड़ देता हूँ, आओ। इस आदमी को देखा है तुमने? एक जमाने में मामूली मैकेनिक हुआ करते थे, आज देश के बड़े बिल्डरों में से एक हैं। इसे कहते हैं कामयाबी। इंसान अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर सर एक बात पूछूं? पूछो ना। सर आपने उस दुकानदार को क्यों नहीं बताया कि सोहम आपका बेटा है? क्योंकि आज नहीं तो कल उसे पता ही चल जाएगा कि वो आपका बेटा है। हाँ सही वक्त पर उसे भी पता चल जाएगा कि सोहम मेरा बेटा है। लेकिन तुम ही बता, अगर आज मैंने उसे बता दिया होता तो क्या वो सोहम को अपने साथ काम करने देता? कभी कभी माँ बाप को बच्चों की भलाई के लिए उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है। पिता के बड़े नाम से जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है। सोहम ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अभी अभी की है और मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में ही मैं उसके लिए प्रॉब्लम बन जाऊं, इसलिए मैंने उस दुकानदार को कुछ नहीं बताया। कौन सा है का? शिकारी से काम कर रहे? माफ कीजिए गलती हो गई, थोड़ा जल्दी में था इसीलिए। जल्दी में था तो क्या हमारी जान लेगा का? एक कभी सामान टूटता ना तब का तब तुझसे वसूलते। चल भाग यहाँ से। कहाँ खो गई? मानव आपको याद है हम पहले कितना पाव भाजी खाने आया करते थे? हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है उन दिनों को, और उस पाव भाजी स्टॉल को कैसे भूल सकता हूँ मैं। आज भी उन दिनों को याद करके कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। बिल्कुल। दिनों बाद आपको इतनी खुशी में पीते हुए देख रहे हैं। अरे बात ही कुछ ऐसी है। आज अब विष्णु को पता लग जाएगा कि उनका असली परिवार कौन है। अरे अरे जी सर, अब तक तो वो घर पहुंच गया होगा। अब वो के घर में होगा एक बहुत बड़ा धमाका। सुंदर लग रही है पूर्वी, अब तक सोहम क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, ऐसा कभी वो करता नहीं है। तुम्हें तो कहाँ रहे? आज आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया ना। हाँ शायद काम में उलझ गए होंगे, और तुझे तो पता ही है जब से उन्होंने काम शुरू किया तब से उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है। ये ले दादा आ गए। सोहम तू कितना बेकार है, और तेरा छाता, तू छाता नहीं लेकर गया? कैसे ऐसे करता है सोहम? तू अभी बीमार पड़ गया तो मैं तेरे लिए टॉवल लेकर आती। अरे काहे इतना परेशान होती है, हमरे को आदत है ये सब की, और लोगों की तरह डरते नहीं है बारिश से। बारिश में क्या कर रहा है? मुझे पता है तू बारिश में खेल के आया, लेकिन अभी बीमार पड़ेगा ना तब तुझे पता चलेगा। चल जा पहले जल्दी से अपने कपड़े बदल। अरे आई हमने पैसे भीग गए होंगे, पहले उनको जरा हम ना रखते समझ। जैसे ही विष्णु के जेब से पैसे गिरे हैं,
जी सरकार जी। वो के घर वाले उसे चोर समझेंगे, हैरान हो जाएंगे एकदम से। जी सरकार। अरे बिट्टू जी, अरे पैसा तो उसकी जेब में तू रखे है। जी सरकार। लेकिन उनके घर वाले सोचेंगे कि उन्हें चोरी किया है। लेकिन सरकार, क्या बिष्णु लाला के घर वाले फिर से उस पर शक करेंगे? अरे बिटुआ कैसी बात करता है हा? अरे जी के नाम के आगे एक बात चोर लग जाए तो लोगन के लिए वो जिंदगी भर चोर ही रहता है। सोहम, इतने सारे पैसे तेरे पास कहां से? ये हमरे नहीं है, हमरे जेब में। हाँ ये लागत है, छुट्टे के साथ रसीद रखते हुए गल्ले में ये पैसे मेरे जेब में रह गए होंगे दुकानदार, कल लौटा देंगे। हाँ वही होगा। अब विष्णु चाहे कितना ही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए कि उन्हें चोरी नहीं की, उन्हें चोरी नहीं की, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ओकी आई हो सकता है कुछ पे यकीन कर ले, लेकिन वो मानव देशमुख वो कभी विश्वास नहीं करेगा। पच्चीस हजार इतने सारे पैसे तेरी जेब में थे, तुझे पता नहीं चला? इसे कैसे हो सकता है? तू एक काम कर, तू अभी जा दुकान। लेकिन अभी तो दुकानदार भी चला गया। तू एक काम कर, सुबह सबसे पहले उठते से तू दुकान जाएगा और ये पैसे उसको देगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझ पे शक करे कि तू पैसे तो नहीं लेकर चला गया। ठीक है? हाँ हाँ, कल सवेरे होते ही पैसे लौटा देंगे। हाँ? ये बहुत सारे हैं, हमारे पैसे तो यही रहेगी, देख 300 रुपए। चल कोई बात नहीं, मैं ये पैसे सुखा देती हूँ, तो टेंशन मत ले। जा तू जल्दी से कपड़े बदल, हाँ मैं खाना लगाती हूँ। सत्यनारायण की पूजा, that's a lovely idea. मैं भी जरूर आता, लेकिन कुछ तो डॉक्टर्स ने मना किया है और कुछ ये जो घर के डॉक्टर्स हैं ये मुझे कहीं जाने नहीं देते। हाँ सब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अर्जुन को जरूर भेजिएगा। दरअसल परी की पहली पूजा है और मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार इसमें शामिल हो। अर्जुन जरूर आएगा। कॉफी? यस अर्जुन। मानव और अर्चना के घर में सत्यनारायण की पूजा है। ओके, तुम्हें वहां जाना, क्योंकि ये परी की पहली पूजा है इसलिए तुम्हें वहां जाना जरूरी है। परी की पहली पूजा? हुँ. मैं डेफिनेटली आऊंगा। बट फॉर नाउ डैड यू हैव टू गो फॉर वॉक। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। आई विल सी यू डैड। या कॉफी? अर्जुन जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। दरअसल बात पूर्वी के बारे में। पूर्वी के बारे में क्या बात है अर्जुन? तुम्हें पता है आजकल पूर्वी बहुत खुश रहने लगी। जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है वो घर लौट कर आती है तो बहुत खुश लगती। शायद काम करते करते अपनी पुरानी बातों को वो भूलना चाहती। उसकी जिंदगी में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जब से वो काम करने लगी है वो बहुत खुश रहने लगी, बहुत कॉन्फिडेंट लगने लगी। मैं जानती हूँ कि डी के सर जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन अर्जुन मैं चाहती हूँ कि वो उसके बाद भी काम करे। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा ही होगा। सिर्फ मैंने भी नोट किया पूर्वी को, दैट वो जब कभी भी काम करती है वो बहुत खुश रहती है। मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि उसके आने से हमारे ऑफिस में स्ट्रेस कितना कम हो गया। मुझे भी लगता है कि वो अपने काम को बहुत एंजॉय करती है और खुश रहती है वो काम करती है। मुझे पता नहीं था कि मैं आपसे ये कैसे कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। And I promise you, मैं पूरी से बात करूंगा और उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहूंगा। I'm sure, वो मानेगी और इसी तरह खुश रहेगी। थैंक यू आई।